हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल केमिस्ट्री की पाठशाला। केमिस्ट्री की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। आज हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल लेकर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल कितना कर चुके हैं बेटा हम? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल में हम क्या कर चुके हैं? कन्वर्जन ऑफ मेटल और इनटू देयर ऑक्साइड। मेटल की ओर को हम किस में कन्वर्ट कर चुके हैं मेटल के ऑक्साइड के अंदर। कल में हमने पढ़ा था कि हमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि मेटल के ऑक्साइड्स जो होते हैं दे आर इजी टू रिड्यूस्ड। रिड्यूस्ड होने में बहुत ही आसान होता है, ठीक है। वी कैन रिड्यूस देम बाय रिएक्शन विद कार्बन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो देखिए, ये लास्ट स्टेप है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का। यहाँ से हम क्रूड मेटल, जिसे हम क्या कहते हैं, कच्चा क्रूड मेटल, हम यहाँ से ले सकते हैं। पर बेटा, स्टिल देर आर वेरी मैनी इम्प्योरिटीज़। आज भी वहाँ क्या है, उसके बाद भी वहाँ क्या है, बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के लिए वी हैव टू फॉलो द नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द रिफाइनिंग। इसके बाद भी हमें एक और स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, जिसे हम क्या कहेंगे, रिफाइनिंग। बट रिफाइनिंग इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द एक्सट्रैक्शन। एक्सट्रैक्ट कर चुके हैं हम मेटल को, अब से हमने प्यूरीफाई करना है, और प्यूरीफाई जो टेक्निक है वो रिफाइनिंग के अंडर जाएगी। तो रिफाइनिंग प्लस एक्सट्रैक्शन, दैट इज़ द मेटलर्जी। उसे हम क्या कह रहे हैं, मेटलर्जी कह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, अब हम पढ़ने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ, क्या पढ़ेंगे अब हम, कन्वर्जन ऑफ हम लास्ट ऑफ मेटल एक्सट्रैक्शन का हम क्या पढ़ेंगे बेटा, कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू दी मेटल। किसके अंदर, मेटल के अंदर। कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू द मेटल के अंदर पढ़ेंगे, मेटल के अंदर पढ़ेंगे। तो देखिए बेटा क्या है, सपोज करो हमने क्या ले लिया, जेड एन ओ, क्या ले लिया हमने, जेड एन ओ। इसका एक चीज़ याद रखेंगे आप, जेड एन ओ जो है वो सी ओ के साथ नहीं होगा, उसका रिडक्शन किसके साथ होगा, कार्बन के साथ होगा, एंड इट विल फॉर्म जेड एन प्लस सी ओ। क्योंकि ये इसके अंदर क्या होता है बेटा, जो हमारी हीट ऑफ फॉर्मेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। मान लिया हमारे पास आ गया Al2O3 प्लस सी, इट विल फॉर्म 2Al प्लस 3CO। तीन कितने कार्बन ले लेंगे हम यहाँ, वी हैव टू टेक 3 कार्बन। कितने कार्बन लिए हमने यहाँ, 3 कार्बन लिए। जैसे हमारे पास है FeO, इसकी हम CO2 के साथ कर रहे हैं, देन इट CO2, इट इज़ CO, इट विल फॉर्म Fe प्लस CO2। एक ऑक्सीजन इसको यहाँ दे दिया, सी ओ ऑलरेडी था, तो कितने ओ, कितने ओ हुए इसके पास, देर विल बी 2O। कितने ओ हुए, 2O, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल फ्रॉम देयर ओर, ठीक है। इसके बाद आई थिंक योर रिफाइनिंग बचता है आपका, ठीक है। रिफाइनिंग मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी, रिफाइनिंग इज अनदर टॉपिक। हाँ, जस्ट ए मिनट, ये देखिए, ये मैं आपको पहले भी समझा चुकी हूँ। हमारे पास जो रिएक्टिविटी सीरीज है उसके अंदर क्या है बेटा, देर विल बी 3 टाइप्स ऑफ मेटल, मेटल्स ऑफ हायर रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी एंड मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। कितने टाइप की हमारे पास, 3 तरह की हैं, मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी और लो रिएक्टिविटी। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टन हाई रिएक्टिविटी क्या करेंगे, वो क्या होती है बेटा, मोस्टली जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हैं वो नेटिव फॉर्म में ही पाई जाती है, फ्री फॉर्म में ही पाई जाती है। कुछ अर्थी इम्प्योरिटीज़ होती हैं उसके साथ, और उसको, उन अर्थी इम्प्योरिटीज़ को हम क्या करते हैं, उसको मोल्टन स्टेट में कन्वर्ट करते हैं, और फिर हम उसके इलेक्ट्रोलिसिस से प्योर मेटल ले सकते हैं। मीडियम, अब तक हमने जितना भी प्रोसेसर पढ़ा है वो सारा किसका पढ़ा है, मेटल ऑफ मीडियम रिएक्टिविटी,
ठीक है, पहले हमने उसको क्या किया था, कंसंट्रेट किया था ओर को, और फिर हमारे पास कार्बोनेट ओर थे या हाइड्रोक्साइड ओर थे, उसको कैल्सिनेशन से हमने क्या किया, ऑक्साइड में कन्वर्ट किया, और सल्फाइड को रोस्टिंग से किया, फिर मेटल में रिड्यूस कर दिया, और फिर हम क्या करेंगे, प्योरिफिकेशन, दैट इज़ द रिफाइनिंग। लो रिएक्टिविटी के अंदर मोस्टली क्या होता है, सल्फाइड ओर होते हैं, वैसे ही हम क्या करेंगे, इसको रोस्टिंग से हीट करेंगे, और हीट करने के बाद क्या होगा, यहाँ क्या होगा, जब रोस्टिंग करेंगे ना यहाँ, जैसे ये है Cu2S, Cu2 जब कॉपर सिल्वर के साथ मिलती है तो वो भी क्या है, लो रिएक्टिव फॉर्म में है। जब इसको ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो ये डायरेक्टली सल्फर डाइऑक्साइड बना के कॉपर बना देगा, डायरेक्टली ही क्या बना देगा, ये यहाँ से मेटल बना देगा। इज इट क्लियर? फिर जो ये मेटल हमारे पास यहाँ बनती है, इसको हम क्या कर लेंगे, रोस्टिंग का, सॉरी रिफाइनिंग कर लेंगे, क्या कर लेंगे, इसकी हम रिफाइनिंग कर लेंगे। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ओके बेटा, बाकी का हम कहाँ पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में रहेंगे पढ़ेंगे। तब तक घर रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और सुरक्षित रहिए। ओके।